सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो उस रिश्ते में ना रहना ही बेहतर है। हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ न जाना। तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी जिंदगी है, इस प्यारे से रिश्ते को कभी भूल न जाना। जब सोच में मूंछ आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। आज का पंचांग 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 7:33 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:32 से 4:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। अपने बड़े भाई बहन की सुने, आप खुद को सोशल मीडिया, फोन, ईमेल और नोटिफिकेशन में व्यस्त पा सकते हैं। रिश्ते इस समय फल फूल रहे हैं और लोग आपके आसपास रहने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपकी कंपनी मांग में है, इन सामाजिक छड़ों का मजा लें। अच्छा भाग्य आपका है, आज नई साझेदारी और संबंध विकसित हो सकते हैं। बधाएं आपको नए अवसरों का रास्ता देगी और आपका उत्साह नए ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है और आपके प्रयास आपको निराश नहीं करेंगे। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। दिन शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। बच्चों के साथ आप सुकून पाएंगे। बच्चों की यह क्षमता कुदरती है और न केवल आपके परिवार के बच्चों में बल्कि हर बच्चे में यह गुण होता है। वे आपको सुकून और राहत दे सकते हैं। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज इसके चलते आपको कुछ बेहतरीन लाभ मिल सकता है। बच्चों के साथ समय बिताना खास होगा। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर में अपना दबदबा बना पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकती हैं। आज परिवारजनों के साथ घर के रखरखाव संबंधित गतिविधियों में मधुर समय व्यतीत होगा। युवाओं को करियर संबंधित कोई नया अवसर मिल सकता है। उपलब्धि मिलने से उमंग और जोश बना रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में भी रुझान रहेगा। खुद के प्रति उदासीनता और नकारात्मक विचार बिल्कुल न आने दें। जो बातें रुकी हुई है वो किस कारण है यह आपको जल्दी समझ आएगा। स्थितियों में जैसा बदलाव नजर आएगा वैसे ही आपको टारगेट भी हासिल करने की क्षमता मिलेगी। स्टॉक मार्केट संबंधित बातों में प्रगति आसानी से मिलेगी। पार्टनर के साथ हो रहे विवाद से बदले की भावना न बनने दें। पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, खाने पर ध्यान दें। आज के दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में छोटी की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। किसी भूमि और भवन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से भी बचना होगा। आप यदि किसी की सीख और सलाह पर चलेंगे तो इसमें परिवार का कोई दूसरा सदस्य नाराज हो सकता है। आपके नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। सामूहिक कार्यों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। आपके सहयोगी आपके खूब काम आएंगे। सभी का आपको पूरा साथ भी मिलेगा। सावधानियां, रुपए पैसे संबंधित किसी भी तरह की उधारी ना करें वरना इससे आपकी खुद की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन कुछ व्यथित रहेगा परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें।
बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। अपने करिश्मे से आप किसी को भी लुभाने की ताकत रखते हैं। भाग्य आपके साथ है और सफलता की ओर इशारा कर रहा है। दोस्त अन्य रिश्तेदार आपको पूरा सहयोग देंगे। याद रखें, रिश्ते में छेड़खानी रिश्ते के आकर्षण को दुगना कर देती है और चाहत को बढ़ाती है। आज आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा दूर होगी। अभी आपका उत्साह दूसरे ही स्तर पर है और आप अपने प्यार के साथ कुछ खास पल गुजारना चाहते हैं। आपका साथी आपको दिलोजा से चाहता है, इसलिए उनकी अभिलाषाओं का खास ध्यान रखें। याद रखें, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अच्छा, आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी किसी भी संबंध से क्या अपेक्षा है। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके लक्ष्य आपके पार्टनर के साथ मेल नहीं खाते, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मतभेद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझाने मनाने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं करियर की। आपकी भावना अदम्य है, इसीलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इसे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और पुरस्कार अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। किसी समूह क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप अपने लिए लक के नए रास्ते खोल सकते हैं। नेटवर्किंग और अपने संपर्कों के माध्यम से आप अपनी आय को दुगना करने में सक्षम होंगे। बस आज चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए थोड़ा सावधान रहें। आज किसी खास संबंध या साझेदारी की संभावना है। रिश्ते चाहे अनौपचारिक हो या औपचारिक, लोगों को चुनने में समझदारी बरतें। आपके प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को आज आप दूर कर सकते हैं। आने वाले अवसर आपको उत्साहित बनाए रखेंगे। याद रखें, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कई टेढ़े मेढ़े और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। कार्यस्थल पर उथल पुथल की स्थिति रहेगी। अपने कुछ महत्वपूर्ण फैसले बदलने भी पड़ सकते हैं। आलस और लापरवाही न करें। नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। नौकरी में छोटी छोटी परेशानियां आएगी, शांति से समाधान निकाल लें। इस राशि वाले कारोबारी, व्यापार और नौकरी पेशे लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। काम धंधे के समय व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने और कुछ अच्छे व्यापारिक निर्णयों से व्यापार को गति मिलेगी। कोई बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी या एजेंसी आदि लिए जाने से काम बढ़ सकता है। पारिवारिक बिजनेस करने वाले लोगों को आज कुछ बेहतर मौके मिलेंगे जिससे वे अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इस राशि के नौकरी करने वाले काम का बोझ बढ़ने से परेशान रहेंगे और इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में हास परिहास का वातावरण रहेगा। कोई न कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। किसी मित्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकती हैं, जिसके लिए आप कुछ पैसों का इंतजाम भी कर सकती हैं। मन में चल रही परेशानियों के बारे में परिजनों से खुलकर बात करनी होगी। जो छात्र विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आज इच्छा पूरी हो सकती है। बात करती हैं सेहत की। ध्यान एवं योगाभ्यास आदि करना लाभकारी आज रहेगा। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी ही हैं। सब चीजें ठीक से हो जाएगी, निश्चिंत रहें। देर रात तक जागे, कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। आज का उपाय। आज आप हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं और हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।